छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में इस वक्त गृह युद्ध चल रहा है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने अपने ही विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। उन पर पार्टी उद्देश्य के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगा है, जो इसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। प्रेस वार्ता करते हुए विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि अमित जोगी ने उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी के कार्यक्रम में मैं गया था, मैं 6 बार अपने विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीता हूं। जितनी अमित जोगी की उम्र है उससे ज्यादा मैं राजनीति कर चुका हूं। मेरी पत्नी से उसने 2 बार दुर्व्यवहार किया। अगर अमित शाह जी कार्यक्रम में जाने से उन्हें बहुत ज्यादा खेद था तो वो मुझसे बात करते। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत बड़े नेता हैं और देश के गृह मंत्री हैं, उनसे मिलना कोई आसान बात नहीं थी। राजनीति में मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, हार और जीत बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपने परिवार के साथ दुर्व्यवहार सहन नहीं कर सकता। धर्मजीत सिंह ने अमित जोगी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अब मुझ पर कातिलाना हमले होंगे और मेरी हत्या होने की भी पूरी संभावना है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रेणु जोगी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री अमित जोगी जी ने मुझे 6 वर्ष के लिए जनता कांग्रेस से निष्कासित करने का पत्र कुछ आरोपों के साथ उन्होंने दिया है। मैं उनके सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं।